जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। इस संगम में हम जानेंगे कि बगैर कुंडली के आप रत्न किस प्रकार से धारण कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों के पास में डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं होता है या टाइम उनका कंफर्म नहीं होता है, तो उस समय में जीवन में चल रही परेशानियों से निदान के लिए अगर वो रत्न धारण करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू वो रत्न धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, कई लोगों के पास में कुंडलियां नहीं होती है या उन्होंने उनको पता नहीं होता है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ और जो टाइम उन्होंने लिखवाया है और उसके हिसाब से उन्होंने रत्न जो धारण कर रखा है तो वो सूट क्यों नहीं हो रहा है, या जीवन में चल रही परेशानियों के लिए उनको अगर कोई सा रत्न धारण करना है तो उसकी सही प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, इसकी कुछ दूसरी भी तरीके होते हैं, जैसे कि आप हस्तरेखा विज्ञान, कोई अगर हाथ अच्छे से देख सकता है और वो अगर आपको बता दे कि आप ये रत्न धारण करें तो आप एक इसके माध्यम से भी रत्न धारण कर सकते हैं। एक अंक ज्योतिष है, आप इसके माध्यम से आप रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष में अगर आपको विश्वास है और आप चाहते हैं कि ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के थ्रू अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरी प्रोसेस है जिसमें 5 या 6 स्टेप आएगी और उनको फॉलो करके आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसमें से आपको कौन सा दिन सूट होता है या कौन सा दिन आपका अच्छा जाता है। मान लीजिए मंगलवार काफ़ी अच्छा आपका जाता है या बुधवार अच्छा जाता है, शनिवार अच्छा जाता है, आप में कॉन्फिडेंस रहता है, आप में एनर्जी रहती है उस दिन, आप नेगेटिव कम होते हैं, पॉजिटिव ज़्यादा रहते हैं, तो सप्ताह का एक दिन ऐसा कोई सा भी चुन लीजिए। ये आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 1 या 2 महीने तक इसका एनालिसिस करना है। साथ में आपको दूसरी स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेप में आपको कलर थ्योरी के हिसाब से आप पे किस कलर के कपड़े ज्यादा सूट होते हैं आपको ये देखना है। मान लीजिए कि आप पे वाइट ड्रेस ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगती है और या फिर मान लो ब्लैक आपको काफ़ी अच्छा लगता है और आप में कॉन्फिडेंस रहता है, येलो पहनने के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे सारे काम हो रहे हैं, तो इस तरह से सप्ताह का एक दिन और साथ में कलर का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के हिसाब से आप तीसरी स्टेप में क्या करना है, कि आप इन दोनों के हिसाब से एक रुद्राक्ष दिन के हिसाब से धारण करिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रविवार काफ़ी अच्छा जाता है तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मान लीजिए कि सोमवार अच्छा जाता है तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मंगलवार अच्छा जाता है तो 3 मुखी, बुधवार अच्छा जाता है तो 4 मुखी, गुरुवार अच्छा जाता है तो 5 मुखी, शुक्रवार अच्छा जाता है तो 6 मुखी, शनिवार अच्छा जाता है तो 7 मुखी। और कलर के अगर हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे कि मान लीजिए आप एक केसरिया कलर आप पे काफ़ी सूट होता है, आप कॉन्फिडेंस देता है और रविवार अच्छा जाता है, तो केसरिया रंग और रविवार का कॉम्बिनेशन एक मुखी रुद्राक्ष बनता है। एक रुखी रुद्राक्ष से काफ़ी महंगा भी आता है। अगर आपको सफ़ेद कपड़े काफ़ी सूट होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं तो, और सोमवार अच्छा जाता है तो 2 मुखी, लाल कलर अगर आपको अच्छा लगता है तो 3 मुखी, हरा कलर अगर आपको पसंद है तो 4 मुखी, पीला कलर पसंद है तो 5 मुखी, अगर आपको चमकीले कपड़े काफ़ी पसंद है तो 6 मुखी, काले कलर के या नीले कलर के कपड़े आपको अगर पसंद है तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद में आप एक रुद्राक्ष धारण करेंगे। रुद्राक्ष धारण करने के बाद में आपको कम से कम 1 या 2 महीने तक रुद्राक्ष को धारण करके रखना है। रुद्राक्ष कैसे धारण करेंगे
इसकी पूरी प्रोसेस पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। अब रुद्राक्ष धारण करने के एक या दो महीने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको उस रुद्राक्ष का और उस दिन का और उस रंग का कॉम्बिनेशन करके एक रत्न डिसाइड करना है और उसका उपरत्न धारण करना। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सोमवार काफ़ी अच्छा जाता है और आपने दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने के एक या दो महीने बाद में आपको क्या करना है, आपको या तो चांदी की चेन या फिर कच्चा मोती चांदी में धारण करना है। अगर मान लीजिए कि आपका लाल रंग ज़्यादा अच्छा है और आपने तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर रखा है, मंगलवार काफ़ी अच्छा जाता है, तो आपको क्या करना है कि जो मंगल का जो रत्न होता है मूंगा का जो उपरत्न होता है, लाल संघ सितारा उसको कहते हैं, तो लाल संघ सितारा बिल्कुल मूंगे को जैसे धारण करते हैं उसी तरह से आपको लाल संघ सितारा धारण करना है। मान लीजिए कि आपका बुधवार अच्छा जाता है, आपने चार मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर रखा है, तो आपको उसके लिए पन्ना धारण करना होगा, पर पन्ने को धारण करने से पहले उसका जो उपरत्न है सकोटा का पन्ना उसको कहते हैं, आप वो भी धारण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका पांच मुखी रुद्राक्ष आपने धारण कर रखा है, पीला रंग आपका काफ़ी पसंदीदा है और गुरुवार काफ़ी अच्छा जाता है आपका, तो आपको क्या करना है कि पुखराज का उपरत्न सुनेला आपको धारण करना है, बिल्कुल उसी विधि से धारण करना है जैसे पुखराज धारण करते हैं। अब शुक्रवार अगर आपका काफ़ी अच्छा जाता है और आपने छः मुखी रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो छः मुखी रुद्राक्ष धारण करने के दो या तीन महीने बाद में आपको अमेरिकन डायमंड उसका एक उपरत्न होता है उसको धारण करना है। शनिवार अच्छा जाता है आपका, तो आपको क्या करना है कि आपको जो नीलम है, नीलम का जो उपरत्न होता है उसको कटेला कहते हैं या नीली भी कहते हैं, आप वो धारण कर सकते हैं। लाजवर तो उसका उपरत्न होता है, आप वो धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सात दिन को डिसाइड करिए, सात दिन को डिसाइड करने के बाद में कलर उसका एक डिसाइड करिए, इनका कॉम्बिनेशन आपको जमाना है और सिर्फ एक रत्न आपको इसमें से निकालना है। रविवार अगर आपका काफ़ी अच्छा जाता है तो आप रूबी का जो उपरत्न होता है तामड़ा उसको कहते हैं, आप उसको भी धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सात दिन के सात रत्न होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक दिन डिसाइड करना है, सप्ताह का एक दिन कौन सा आपका अच्छा जाता है, एक या दो महीने आप इसका एनालिसिस करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको उसके कलर के कपड़े आपको डिसाइड करना है कि कौन से कलर के कपड़े आपको अच्छे सूट होते हैं। उसके बाद में आपको उसका रुद्राक्ष धारण करना है, रुद्राक्ष के बाद में आपको उसका एक उपरत्न धारण करना है और उपरत्न कम से कम दो या तीन महीने तक धारण करके रखना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये चार या पाँच महीने की होगी, पर इस प्रोसेस के बाद में आपको आपका एक रत्न प्राप्त हो जाएगा। अब आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है उस हिसाब से आप अगर वो रत्न धारण करेंगे तो भविष्य में आपको उस परेशानी से निदान मिलेगा, भले ही वो नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, आपकी परिवार से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, पारिवारिक समस्याएं हो, कोई सी भी समस्याएं हो, आप इस प्रकार से एक रत्न आप धारण कर लीजिए। रत्न धारण करने के बाद में आपको आपके जीवन में निराशा से, आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी और आपका शुभ होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।